हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स तो बीटा ब्लॉकर क्लास के जो मेडिकेशंस होते हैं उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में कि जिसके अंदर सबसे पहले उनके बेसिक यूज़ के बारे में जानेंगे कि वॉट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ द मेडिसिंस विच आर कॉल ए बीटा ब्लॉकर्स उसके बाद हम डिटेल में उसके मेकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे उसके डोजिस के बारे में स्टडी करेंगे ऑल्सो अबाउट द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और लास्ट में स्टडी करेंगे उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो यहाँ पे टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग टू आप देख रहे हैं कि एटेनोल जो है वो भी बीटा ब्लॉकर क्लास के मेडिकेशन है कि कई बार आपने एटनोलॉल को तो यूज़ किया होगा या फिर ये मेडिकेशंस को किसी को लेते हुए देखा होगा एज वेल well एज प्रोप्रानोलॉल के हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स आते हैं फिर ये ड्रॉप्स भी आपने देखे होंगे कि टीमोलॉल मेलेट के जो ड्रॉप्स आते हैं फिर सोटाल हाइड्रोक्लोराइड्स के टैबलेट तो ये सब मेडिकेशंस आपने कई बार देखे होंगे तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो डिटेल फार्माकोलॉजिकल जो स्टडी हम कहते हैं कि डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑन द बीटा ब्लॉकर्स क्लास ऑफ मेडिकेशंस तो शुरू कर दे आज के लेक्चर में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स पर्सिंग द पी डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात थैंक यू फॉर बीइंग इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल यूज करिए फार्मा रॉक्स कि जहां पे आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस करने को मिल जाएंगे दिस इज दिस इज एजुकेशनल लेक्चर ओनली वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और प्रोडक्ट द कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस लेक्चर इज फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस इमेजेस डायग्राम चार्ट यूज आर फॉर एजुकेशनल परपज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स तो सबसे पहले समझिए कि बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बीटा ब्लॉकर्स आर ऑल्सो कॉल बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट अगर समझो कि एग्जाम में आपको ये नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मेडिसिन से बीटा ब्लॉकर्स ही है बिकॉज ये जो मेडिकेशंस का जो क्लास है बीटा ब्लॉकर्स जो हम कहते हैं उनको बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहा जाता है बीटा ब्लॉकर्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड टू मैनेज एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स एब नॉर्मल हार्ट रिदम्स एंड टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम सेकेंड हार्ट अटैक आफ्टर ए फर्स्ट हार्ट अटैक तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ही उसका बेजिक यूज यहाँ पे जान लिया कि जो हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं कि जिसका नाम दूसरा है बीटा एड्रनर्जी ब्लॉकिंग एजेंट तो ये जो क्लास के मेडिकेशन है वो स्पेशली प्रिस्क्राइब uh, की जाती है टू मैनेज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम एबनॉर्मल हार्ट रिदम की जिसको हम मेडिकल uh, टर्म्स के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट्स कहते हैं कार्डिय करिदमिया भी हम कहते हैं तो ऐसे कंडीशन को मैनेज करने के लिए ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स क्लास के मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं साथो साथ समझो कि किसी पर्सन को फर्स्ट अटैक आया है हार्ट अटैक जो हम कहते हैं वो और फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद समझो कि सेकंड हार्ट अटैक जो हमें करना है प्रिवेंट सेकंड को करना है प्रिवेंट तो फर्स्ट के बाद जो सेकंड हार्ट अटैक आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम ये मेडिसिन की जो बीटा ब्लॉकर्स हम कहते हैं वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्डियक सेल है और यहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर से तो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का जो काम करते हैं ये मेडिकेशन जिसके कारण जो एड्रीनलिन की जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं उसकी जो एंट्री जो है वो कार्डियक सेल के अंदर होती है इनहिबिट इसी कारण ये मेडिकेशंस का नाम एड्रीन पर से ही बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी हम कहते हैं तो ये है बीटा ब्लॉकर्स जिसका इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे देखा है बेसिक यूज अब जानते हैं सबसे पहले उसके लिस्ट कि बीटा ब्लॉकर्स के जो मेडिकेशंस के लिस्ट की जो आर एक्स है आर एक्स का मतलब आपको पता ही है कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस प्रिस्क्रिप्सन बेस मेडिकेशन की जिसको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रिस्क्रिप्सन के साथ ही आपको यूज करने होते हैं तो सबसे पहले उसका लिस्ट आप जान लीजिए कि जितने भी ये मेडिकेशन से बीटा ब्लॉकर्स उसके आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए तो एसीब्यूटालॉल दैट इज़ द फर्स्ट मेडिकेशन दैट आफ्टर एटेनोलॉल बीटागोलॉल बीसोप्रोलॉल कार्टेलॉल कार्वेडिलॉल, सेलिप्रोलॉल एंड लेबिटालॉल। तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन एक चीज है पीछे सभी के पीछे जो है वो लोल लग रहा है एल ओ एल तो ये है एक आइडेंटिफिकेशन आपके लिए कि जो हम कोई आइडेंटिफिकेशन मार्किंग देखे ये मेडिकेशंस के नेम के अंदर तो दैट इज अ लोल तो ये जो लोल वाले जितने भी मेडिकेशन है दिस ऑल आर द बीटा ब्लॉकर्स की बीटा ब्लॉकर्स क्लास के सभी मेडिकेशंस के पीछे जो है वो लोल लिखा जाता है मार्केटेड फार्मुलेशन से आप देखेंगे कि एटानॉल के जो टैबलेट्स की जिसका इनिशियल uh, डोज जो होता है 50 एम मिनिमम उसके बाद लेबेटालोल हाइड्रोक्लोराइड्स के जो टैबलेट 100 एम की उसकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे एटेन के जो फिल्म कोटेड टैबलेट है उसकी स्ट्रेंथ भी पचास एम है एंड बीसो प्रोलॉल फ्यूमारेट की जिसकी स्ट्रेंथ है फाइव एम और वो भी फिल्म कोटेड टैबलेट्स है और सभी जो है आर एक्स ऑनली है दिस ऑल आर द आर एक्स ऑनली यहाँ पे आर एक्स देख सकते हैं यहाँ पे आर एक्स मींस मीन्स प्रिस्क्रिप्सन सिर्फ इतनी नहीं है और आगे मेडिकेशन से सेम क्लास की वो भी आपको याद रखनी है दैट आर मेटाप्रोलॉल नाडोलॉल नेबीवोलॉल पेनब्यूटोलॉल पिंडोलॉल प्रोप्रानोलॉल सोटालॉल एंड टीमोलॉल तो ये मेडिकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोप्रानोल हाइड्रोक्लोराइड्स के जो टैबलेट जिसकी स्ट्रेंथ है सिर्फ टेन एम फिर मेटाप्रोलॉल सक्सीनेट एक्सटेंडेज रिलीज टैबलेट है कि जो हम एक्सटेंडेज रिलीज कह सकते हैं कि धीरे धीरे मेडिकेशंस वो रिलीज होती है और प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करती है कि एक्सेल हंड्रेड दैट मीन्स कि हंड्रेड एम ज्यूस की स्ट्रेंथ है फिर जो टीमेल और मेलेट के अपने ड्रॉप्स भी देखे होंगे कि जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को यूजली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि जो आइज़ रिलेटेड जो डिसीज जो है ग्लूकोमा तो उसके अंदर टीमोल मेलेट के आई ड्रॉप्स पॉइंट फाइव परसेंट वेट बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ के अंदर दिए जाते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं सोटाल हाइड्रोक्लोराइड का टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ है एटी एम जी एंड दिस ऑल आर द आर एक्स ऑनली तो बीटा ब्लॉकर्स की जो ऐसे मेडिकेशंस की प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस ही है तो ये हो गई उनकी कॉमन लिस्ट अब जानते हैं उसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले देखिए बीटा एड्रीनर्जी ब्लॉकिंग एजेंट का जो ऑफिशियली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एज पर द फार्माकोलॉजिकली और यह क्लासिफिकेशन आपके लिए रहता है मोस्ट आईएमपी मोस्ट आईएमपी फॉर एमसीक्यू आल्सो फॉर द वाइवा एंड आल्सो फॉर द थियरी एग्जाम कि थियरी के अंदर उसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछा जाता है वाइवा में भी आपको क्लासेस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज वेल एस एम के लिए तो ये प्राइम इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं बिकॉज मेडिकेशंस की लिस्ट आपको तो पता है कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए बट एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उसका क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है तो फर्स्ट की जो नॉन सिलेक्टिव बीटा वन एंड बीटा टू एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा वन एंड बीटा टू और उसमें लिखा है कि विदाउट एंट्रेंसिक सिंफेथोमायमेटिक एक्टिविटी तो ये जो है एग्जाम्पल प्रोप्रानोलॉल सोटालॉल एंड टीमोलॉल तो पी एस एन टी जो है शॉर्ट में आप याद रख सकते कि विदाउट इंट्रेंसिक सिंफेथो माइमेटिक एक्टिविटी दैट आर पी एस टी पी फॉर प्रोप्रानोलॉल एस फॉर टीमोलॉल फिर विथ इंट्रेंसिक सिंफेथो माइमेटिक एक्टिविटी ये जो थे वो विदाउट थे और अब ये विथ तो दे आर ओनली द पिंडोलॉल सिर्फ एक ही क्लास एक ही मेडिकेशन है दैट इज पिंडोलॉल तो ये जो है वो एम के लिए आपके लिए खास मोस्ट आई एम पी फिर समझिए तो उसके अंदर थर्ड क्लास दैट इज विथ एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी कि बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग तो है ही बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग बट साथ ही एडिशनल अल्फा एक्टिविटी भी है ट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा तो उसके जो एग्जाम्पल है वो है ले बेटा लॉल एंड कार्वेडी लॉल तो सी एल करके याद रख सकते हैं आप अल्फा बीटा सी सी फॉर कार्वेडिलॉल एंड ले बेटा लॉल की जो थर्ड है कि विथ अल्फा एंड बीटा दोनों तो सी फॉर सी एल ऐसे याद रखिए तो सी जो है कार्वेडीलॉल याद रखिए एंड एल दैट इज लेबेटालॉल तो सबसे पहले आपके माइंड में ये फिक्स हो जाना चाहिए कि नॉन सिलेक्टिव में टोटल तीन है ए बी एंड सी ए के अंदर पी एस टी दैट आर प्रोप्रानोलॉल सोटालॉल एंड टीमोलॉल बी के अंदर सिर्फ एक ही है पिंडोलॉल एंड सी के अंदर टोटल दो मेडिकेशंस अल्फा एंड बीटा दोनों ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है दैट आर सी एल दैट मीनस कार्वेडीलॉल एंड नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज कार्डियो सिलेक्टिव कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन उनको कहा जाता है और ये भी एमसीक्यू के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से एज वेल एज फॉर द थियरी एग्जामिनेशन तो देट आर मेटाप्रोलॉल uh, एटेनोलॉल एसीब्यूटाल बीसोप्रोलॉल इस्मोलॉल, बेटा एंड एंड लास्ट में है ये सभी को आपको याद रखने हैं दिस ऑल आर दारेक्ट ओनली यहाँ पे एटेनोलॉल के जो आप देख सकते हैं मार्केटेड फॉर्मुलेशन मेटाप्रोलॉल बीसोप्रोलॉल एंड एटेनोलॉल तो ये कही जाती है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकिंग एजेंट के बीटा ब्लॉकर्स एज अ कार्डियो सिलेक्टिव तो ये लिस्ट अच्छे से आपको याद रखना है कि दिस इज मोस्ट आई एम पी फॉर द एग्जामिनेशन फिर समझिए नेक्स्ट क्लास दैट इज जनरेशन वाइज अब जो क्लासिफिकेशन है ये वो है जनरेशन वाइज जिसके अंदर फर्स्ट जनरेशन की जो ओल्डर कही जाती है एंड दे आर नॉन सिलेक्टिव तो उनकी जो एग्जाम्पल है वह है प्रोपरानोलॉल टीमोलॉल सोटालॉल एंड पिंडोलॉल तो प्रोपरानोलॉल टीमोलॉल सोटालॉल एंड पिंडोलॉल की जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर है सेकेंड जनरेशन की जो बीटा टू सिलेक्टिव है देट आर मेटाप्रोलॉल एटेनोलॉल एसीबीटाल बीसाप्रोलॉल एंड इसमोलॉल एंड जो थर्ड जनरेशन विथ एडिशनल आल्फा एंड वासोडाइलेटर प्रॉपर्टी एंड उसके जो एग्जाम्पल है वह है लेबेटाल्वेडिलॉल सेलिप्रोलॉल एंड नेबीवलॉल तो ऐसे की जो अल्फा बीटा दोनों कॉम्बिनेशन में इफेक्ट है वो ही है ये कि लेबेटालोल एंड कार्वेडिलॉल और साथ में सेलिप्रोलोल एंड नेबीवलॉल आपको याद रखने हैं थर्ड जनरेशन के अंदर तो जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो दोनों क्लासिफिकेशन आपको लिखने होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर जो जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स क्लास के मेडिकेशन का आगे जानते हैं उसके मेकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सबसे सिंपल तरीके से सबसे पहले उसके मेकेनिज्म हम यहां पे समझते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्लास के जो हम मेडिकेशन जो कहते हैं तो उनकी प्राइमरी इफेक्ट कहाँ पे होती है तो बीटा ब्लॉकर्स आर वर्क बाय ब्लॉकिंग यहां पे अच्छे से ध्यान रखना आप कि बीटा ब्लॉकर्स आर वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन एपिनेफ्रिन कि जिसको हम एड्रीन भी कहते हैं एपिन एफरी का जो दूसरा नाम है वो है एड्रीनालिन तो जो पेरीफेरल नाउस होते हैं यहां पे आप देख सकते हैं और वहां पे उसकी जो एंडिंग होती है वहां पे जो एड्रीनालिन आप देख सकते हैं जो ग्रीन यहां से रिलीज होता है और इसको इसी हॉर्मोन को करते हैं ब्लॉक तो बीटा वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हार्मोन एपिनेफ्रिन आल्सो नॉन एज अड्रिनालिन एंड बीटा ब्लॉकर कोज अवर हार्ट टू बीट मोर स्लोली एंड विथ लेस फोर्स विच लोवर द ब्लड प्रेशर अब क्या करते हैं ये मेडिकेशंस की जो हमारा हार्ट है उसके जो बीट्स है बीटा ब्लॉकर्स कोज़ अवर हार्ट बीट्स मोर स्लोली कि हमारे हार्ट बीट्स समझो कि काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको स्लो करती है विथ लेस फोर्स एंड जिसके कारण क्या है कि विच लोवर्स अवर ब्लड प्रेशर बीटा ब्लॉकर्स ऑल्सो हेल्प ओपन ऑप अवर वेन्स तो वेन को ओपन होना या फिर आर्टरीज का ओपन होना उसका मतलब ये है कि उनकी जो इफेक्ट है वो है वासोडाइलेसन करते हैं वो डायलेशन तो उनका जो वर्किंग हम कहे मेकेनिजम ऑफ एक्शन कहे तो ब्लॉक करते हैं हार्मोन एफिनेफ्रिन को और उसकी और अब एफिन की जिसको एड्रीन भी हम कहते हैं वो ब्लॉक होने के कारण हार्ट बीट जो है वो हमारे स्लो होते हैं विथ लेस फोर्स एंड जो करता है आपके ब्लड प्रेशर को लोअर साथ में क्या करते हैं ये मेडिकेशंस ओपन करती है हमारी वेन्स को कुछ जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं वासो होना और जब वासो होता है तो क्या होता है इम्प्रूव अवर ब्लड फ्लो इन अवर बॉडी कि ब्लड फ्लो जो पहले काफी ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो डिक्रीज किया पहले तो और साथ में अब ब्लड फ्लो जो पहले काफी कंस्ट्रिक्टेड हो गया तब ईजिली ब्लड फ्लो होगा कि जब समझे कि ये नैरो डायमीटर वाली पाइप में से कोई पानी जा रहा हो और उसी डायमीटर को हम समझो कि थोड़ा लार्ज कर देते हैं तो फ्लो जो है वो काफ़ी ईजिली जाता है तो सेम इफेक्ट देते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स इसी कारण ये मेकेनिजम एक्शन के कारण ही ये मेडिकेशंस ज़्यादातर हाइपरटेंशन के पेशेंट के जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम हो उसमें भी जो हार्ट बीट्स जिनके सब थोड़े ज्यादा होते हैं उनको स्लो करने के लिए ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है तो फार्माकोलॉजी के लिए देखें तो कौन से रिसेप्टर्स वगैरह को यह ब्लॉक करती है तो इनहिबिशन ऑफ कार्डियक बीटा वन रिसेप्टर कि ये जो बीटा वन रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्डियक सेल एज वेल एज हमने ये एड्रीनालिन भी देखा कि जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं ये हार्मोन की भी आई जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर दी है जिसके कारण क्या होता है लीडिंग टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है वो सबसे पहले आपको याद रखना है सेकंड डिक्रीज इन रेनिन ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ बीटा वन रिसेप्टर अब आपने देखा होगा कि जो हमने ए सी इनिबीटर्स या फिर रैनिन इनिबीटर्स के जो लेक्चर्स देखे थे उसमें एक पॉइंट आया था कि जो हमारे जो किडनी के जो जे जी सेल है वो जो है रिलीज करते हैं रैनिन और ये रैनिन का जो रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा वन रिसेप्टर तो ये मेडिकेशन जो है वो बीटा वन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं इन ही बीट करते हैं जिसके कारण जो है वो रेनिन का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा बिकॉज बीटा वन रिसेप्टर के स्टिम्युलेशन के कारण ही जो जक्स्ट्राग्रोमिलुर सेल हैं हम किडनी के वो सीक्रेट करते हैं रेनिन अब रेनिन सीक्रेट नहीं होगा तो आगे जो हमने पूरा जो आर डबल ए एस सिस्टम जो सीखा था कि रेनिन आल्डोस्टेर एंजियोटेंसिन सिस्टम तो उसके अकॉर्डिंग टू जब रेनिन जो है वो डिक्रीज होता है प्रोड्यूस होना तो आगे जाके ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है बिकॉज एंजियोटेंसिन टू जो है वो कम अमाउंट में फॉर्म होगा और एंजियोटेंसिन टू जब लेस अमाउंट में फॉर्म होता है तो उसके कारण क्या होता है रिड्यूस होता है ब्लड प्रेशर वासोडाइलेसन होता है कि जब रेनिन नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन टू भी रिड्यूस होगा या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा और उसके कारण ब्लड प्रेशर फॉल होता है एज वेल एज़ वासो डायलेशन इफेक्ट मिलते हैं तो ये है पूरा मेकेनिज्म की जो रास सिस्टम और समझे कि आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं तो जरूर से रैनिन इनहबिटर्स वाला लेक्चर देखिए तो उससे आपको ये खास समझ में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं या फिर फार्माकोलॉजी वाली जो प्ले है उसमें भी आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे एज वेल एज यहाँ पे आई बटन पे भी आपको उसके लिंक्स आ जाएंगे फिर क्या करता है इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिंपेथेटिक आउटपुट ड्यू टू द इनिबिशन फिर ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ प्री सिनेप्टिक स्टिम्युलेटरी बिटा रिसेप्टर ऑन एड्रीनर्जिक न्यूरोन्स कि आप देख सकते हैं ये जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स होती है वहाँ पे बीटा वन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी है उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर दी है इनहिबिट कर दी है एंड इंक्रीज वासोडाइलेटरी प्रोस्टा साइक्लिन सिंथेसिस इन वास्कुलर बेड्स जिसके कारण ये मेडिकेशंस के इफेक्ट के कारण लास्ट में क्या होता है वासोडाइलेसन और वासोडाइलेसन जरूरी है कि जब किसी को हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो एज वेल एज ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता हो तो जब ब्लड वेसल्स डायले नैरो होने के कारण कंस्ट्रिक्टेड होने के कारण ये जो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये मेडिकेशंस के जो इफ़ेक्ट है वासो उसके कारण जो है हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को तब जानने हैं हमें बीटा ब्लॉकर्स के जो यूजेस एंड इंडिकेशंस तो सबसे पहले उसका इंडिकेशन टैकी कार्डिया के अंदर तो टैकी कार्डिया के अंदर तो हम यूज करेंगे बिकॉज़ ये मेडिकल है टर्म है फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट कि जो हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं पेशेंट के उसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है तो हमने सीखा था कि सिक्सटी से लेकर हंड्रेड जो है वो नॉर्मल बट जब हंड्रेड से ज़्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं हम टैके कार्डिया और सिक्सटी से नीचे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्डिया तो टैके कार्डिया के जब पेशेंट के हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है तो उसको स्लो करने के लिए नॉर्मल के रेंज में लाने के लिए बीटा ब्लॉकर्स यूज करते बिकॉज उसके इंडिकेशन ही है उसके मेकेनिज्म के तौर पर बिकॉज वो हार्ट रेट को स्लो करता है इसलिए हम उसको यूज करेंगे टेकेकार के बेसेंट के ट्रीटमेंट के अंदर हाइपर टेंसन के अंदर बिकॉज ये मेडिकेशन से ऐसे कि जो हाइपर टेंशन मीन्स इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो बीटा ब्लॉकर्स के मेकेजम में हमने जाना कि ये मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं जिसके कारण हाइपर टेंसन में हम यूज करते हैं तो ये हो गया उसके दो मेजर यूज उसके अलावा भी ये जो मेडिकेशंस के जो क्लास है वो यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियर इंफ्रेक्शन कि जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक आना कि जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक तो स्टार्टिंग में ही हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जब फर्स्ट हार्ट अटैक होता है और सेकंड हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशंस पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है उसके अलावा थर्ड यूज हम उसका देखिए दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल के अंदर कि जो हम कहते हैं सी एच एफ देन कार्डियर अरिथमियास के अंदर कि जो इरेगुलर हार्ट बीट्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर हाइपर थाइरोडिजम के अंदर एसेंशियल ट्रेमर्स के अंदर एरोटिक डिसेक्शन के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन ग्लूकोमा कि उसके जो टीमोलॉल के जो स्पेशली हाई ड्रॉप्स आते हैं टीमोलॉल के जो ड्रॉप्स की जिसको हम यूज करते हैं स्पेशली ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर एंड माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस के अंदर तो ये है बीटा ब्लॉकर्स के यूज़ेस एंड इंडिकेशंस तो इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा होता है या फिर न्योवास्कुलर ग्लूकोमा ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा सभी के अंदर ये बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशंस जो है वो इफेक्टिव होती है और उसमें भी स्पेशली जो टीमोलॉल के दो तो आई ड्रॉप्स वाइडली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा अब जानना जरूरी है उसके इंडिकेशंस तो इंडिकेशंस में आपको ये पॉइंट खास समझना है कि पहले तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये मेडिकेशंस क्या करती है हार्ट रेट को स्लो करती है हार्ट रेट क्या करती है रिड्यूस करती है तो अगर समझे कि कोई पेशेंट कार्डिया का है कि 60 और 100 जो है वो नॉर्मल हार्ट बीट 60 से नीचे तो कार्डिया, एंड 100 से ऊपर तो टैके कार्डिया तो ये मेडिकेशन के इंडिकेशन तो कार्डिया में है बट कॉन्ट्रा इंडिकेशनस रहेंगे ब्रेडिकार्डिया के अंदर तो ये पॉइंट समझिए कि सिम्फे सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया जो हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया दैट मीन्स हार्ट रेट लेस देन सिक्सटी मिनिट दैट एलिस साइन एंड सिम्टम्स बट द हार्ट रेट इज टिपिकली लेस देन फिफ्टी पर मिनिट कि जिसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ब्रेडिकैडिया कि नॉर्मल ब्रेडिकैडिया के अंदर जो अभी मैंने समझा ऐसे हार्ट बीट बट यहाँ पे लेस देन फिफ्टी हार्ट बीट है तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको ये मेडिकेशंस नहीं देने चाहिए बिकॉज पचास है तो उससे भी स्लो हो जाएंगे बिकॉज बीटा की मेकेनिजम ही है यूज ही है कि वो रिड्यूस करती है हार्ट रेट तो ब्रेडिक के पेशेंट को जो गलती से भी आपने ये मेडिकेशंस दे दी है तो उसके कारण उसके हार्ट रेट और स्लो हो जाएंगे और जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है एज वेल एज उसकी डेथ भी हो सकती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन से सेकंड पेशेंट्स विथ एवी ब्लॉक ऐसे पेशेंट की जिसका एवी ब्लॉक है न डीकम्पोज सॉरी डीकम्पोसिटेड हार्ट फेल के पेशेंट हैं एंड लास्ट में देट इज़ अस्थमा कि अस्थेमा के जो पेशेंट होते हैं कि जिसका एयरवेज जो है वो काफ़ी नैरो हो जाता है तो नैरो भी होता है साथ ही साथ वहाँ पर इंफ्लमेशन होता है तो ऐसे पेशेंट को भी हम बीटा ब्लॉकर्स जो है वो नहीं देते तो ये है उसके कॉन्ट्राइंडेशंस सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर अगर वीडियो का आप अच्छा लगा है तो जरूर से उसको लाइक करिए वैल्यूएबल कमेंट्स करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन ए व्हाट्सएप ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्माडॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए एंड अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट